दुकान हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मिस्टर सी आर साहू इन 1983. ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर एंड एवरीथिंग. उन्होंने ही मेरे को इस इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड और आर्किटेक्चर फील्ड में गाइड किया और उनकी वजह से ही आज हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं. दिस प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन कटक एंड आवर क्लाइंट इज नेम इज मिस्टर अशोक अग्रवाल. दिस प्रोजेक्ट नेम इज मुरली सदन. जब हमने ये प्रोजेक्ट का प्लान शुरू किया था तो इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे बिकॉज इसमें लेंथ वाइज प्रोजेक्ट इज नियर अबाउट 330 फीट एंड विड्थ वाइज ओनली 78 फीट. तो हमारा चैलेंज क्या था कि टोटल जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के साथ में अरेंज करना. मेरा एक प्लान था कि मैं जितना सिंपल और वाइट हाउस जैसे मेरा प्लान था, बेसिक दो तीन चीज़ की मेरी थी. जैसे मैं सामने एक सुबी स्ट्रीट मैंने छोड़ा जो कि मेरा गार्डन का बहुत शौक था और पीछे एक स्विमिंग पूल किया मैंने, दो चीज़ मेरी शौक थी. और बेसिकली मैं आई वॉन्टेड ए वाइट टाइप ऑफ फील, सारे रूम्स एवरीथिंग मेरे जितना लाइट कलर्स और वाइट कलर्स होंगे बोल के मेरा एक प्लान था. और आई वॉज फॉर्चुनेट, मैं जुड़ा सी आर साहू और आशीष भैया से, मेरे आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर, और उन्होंने मेरे पूरे जो मेरी सोच थी उसी प्रकार से उससे ज़्यादा कुछ बना के बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने. नाउ कम टू द एंट्रेंस. दिस इज आवर एंट्रेंस इन द ईस्ट फेसिंग. हमने क्या किया इसमें, स्टार्टिंग से 100 फीट जो है व्हाट वी हैव डन कि इसको लैंडस्केपिंग पार्ट रखा है कि सो दैट कि जब हम एंट्री करें किसी भी इस घर में तो एक हमारा लैंडस्केपिंग का फील प्रॉपर आएगा. एंड दिस इज़ आवर पोर्च एरिया, कार विल पार्क हियर. दिस इज़ आवर फायर एरिया. दिस इज़ आवर डबल हाइट ड्राइंग रूम. एंड लेट्स मूव इन टू दिस पार्ट इज़ आवर कॉरिडोर. And let's move to dining area. This is our dining area and is well connected with the kitchen. And kitchen is well connected with the utility area. मेरा फैब्रिक प्लेस है किचन, जिसका डिज़ाइन बहुत सुंदर हुआ है एंड बहुत कंफर्टेबल हुआ है. यहाँ खाना बनाना, चॉपिंग करना सब बहुत ईजी हो गया मेरे लिए और बहुत सुंदर से हुआ है सब कुछ. अच्छा प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन सब बहुत ईजी है एंड अच्छा है. डबल हाइट में हमारा चैलेंज था मेंटेनेंस के लिए. काफ़ी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए था. तो हमने क्या किया, इसको फोर साइड इसका कॉरिडोर बनाया है सो दैट कि मेंटेनेंस काफ़ी इजी रहेगा. दिस इज़ आवर मास्टर बेडरूम अटैच विथ बॉक्स रूम एंड टॉयलेट. इसमें हमारे इस प्रोजेक्ट की USP ये रही कि मास्टर बेडरूम से हमने पूल का व्यू फुल दिया है. हमने यहाँ पे 14 फीट वाइड ग्लास भी दिया हुआ है जिससे हमको पूल का पूरा फील आता है. और क्लाइंट्स वांट्स इट्स इट शुड बी ए कवर पूल, तो हमने यहाँ पे 12 फीट बाई 28 फीट का कवर्ड पूल भी इस प्रोजेक्ट में दिया है. और पूल के साथ साथ में हमने अटैच किया है जिम एरिया एंड ऑल्सो जकूजी इज़ देयर. और इसके अंदर में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, पूल हमारा कवर होने की वजह से कि मेंटेनेंस फ्री है. दिस इज़ आवर द ग्राउंड फ्लोर. नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर में हमारा क्या, फोर साइड ऊपर से नीचे ग्राउंड की पूरी विजिबिलिटी है. और यहाँ पे हमने इसके साथ साथ में एक होम थिएटर दिया है. इट्स नियर अबाउट 6 to 7 पर्सन कैन सिट. एंड यहाँ इसके साथ साथ में हमने यहाँ पे इस जगह पे पूरा बड़ा पोर्टिको भी दिया हुआ है जिसमें हमने झूला है. और जो नेचर का व्यू है फ्रंट साइड से, टोटल जो हमने 100 फीट सामने में लैंडस्केपिंग दी है वो हमारे को पूरा व्यू इस पोर्च से आ जाता है. तो और ये क्लाइंट का एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, वो ऑलवेज प्रिफर करता है यहाँ पे बैठना. फर्स्ट फ्लोर में हमारा क्या USP है कि टोटल फर्स्ट फ्लोर से हमारे ग्राउंड फ्लोर जो ड्राइंग रूम है उसकी पूरी विजिबिलिटी है. और डबल हाइट का जो फील है वो टोटल ऊपर से हमको मिल रहा है और नीचे से भी. और हमारा दोनों फ्लोर वेल कनेक्टेड है
और हमने इसमें प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए गुड फेनेस्टा की प्रॉपर विंडोज़ भी दी हुई है, जिसके अंदर में बग मैश का भी ऑप्शन है। और फर्स्ट टाइम हमने इसमें विला विंडो यूज़ की है विथ, जिसमें कंपनी ने हमको प्रोवाइड किया राउंड कर्व में फिक्स ग्लास, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू फेनेस्टा। फ्रंट साइड में 100 फीट का लैंडस्केपिंग दिया हुआ है, वो हमारी पूरी विजिबिलिटी है फर्स्ट फ्लोर से। दूसरा क्या है कि 100 फीट बिल्डिंग पीछे होने से एक तो बाहर का साउंड भी नहीं आता और अपने को प्राइवेसी भी हमारी मेंटेन होती है। नाउ लेट्स मूव टू बेडरूम्स। दिस इज आवर डॉटर्स बेडरूम एंड दिस इज आवर डॉटर्स टू। वन गेस्ट बेडरूम इज हियर एंड दिस इज आवर सन्स रूम। ग्रैंड साइज, इट्स नियर अबाउट 400 स्क्वायर फीट सन्स रूम अटैच विथ वॉक इन क्लोजेट एंड टॉयलेट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो थी, ही वॉन्ट्स की पैलेस स्टाइल, उसको घर चाहिए विथ मेंटेनेंस फ्री विथ लेस मटेरियल। तो हमने क्या किया, लोकल मटेरियल जो हमारे अवेलेबल थे, सीमेंट प्लास्टर, और जो भी हमने इसको थीम लिया, इट्स अ नियो क्लासिक थीम। क्योंकि मॉडर्न थीम क्या होती है, एक टाइम के बाद पुरानी हो जाती है, बट नियो क्लासिकल थीम में वो इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग थीम। एंड इट हमने इसमें खाली वाइट कलर का यूज़ किया है एक्सटीरियर फसाड में, सो दैट कि इट्स अ वेरी मेंटेनेंस फ्री। जब हमने इस थीम में नियो क्लासिकल थीम लिया, तो हमने इसके अंदर में राउंड विंडोज़ दी थी आर्चेज वाली। पहले के टाइम में क्या होता था कि हम पहले वुडन मेंबर्स को लेके फिक्स ग्लास लगा देते थे, लेकिन एज बिकॉज इट्स रिक्वायर टू मच मेंटेनेंस, तो हमने फेनेस्टा से अपना डिज़ाइन शेयर किया, तो वो उन्होंने हमें फर्स्ट सोल्यूशन दिया जो राउंड आर्चेज थे, उन्होंने फिक्स ग्लासेस करके हमको सोल्यूशन दिया। और फर्स्ट टाइम हमने फिर यहाँ पे विला विंडोज़ यूज़ किया एंड क्लाइंट इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी कि उसको सारा सोल्यूशन मेंटेनेंस फ्री मिला। तो ही इज़ वेरी हैप्पी विथ फेनेस्टा सोल्यूशन एंड वी ऑल्सो प्रमोट फेनेस्टा बिकॉज इससे क्या है कि रेन का भी सोल्यूशन हो गया, लाइट का भी प्रॉपर अपने को वेंटिलेशन मिला, और इन्होंने फिर बग मैश भी हमको दिया जो मॉस्किटोज़ के लिए भी प्रिवेंशन के लिए काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने मेरे को बेसिक बताया, पूछा था मेरे को कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, तो मैंने बेसिक उसको बताया कि मेरे को एज अ कर्व्स चाहिए, बड़े बड़े विंडोज़ चाहिए, डोर्स चाहिए, और उसके बाद मेरी एक ख्वाहिश थी जो चढ़ने के लिए सीढ़ी जो थी मेरी, उसको भी मैंने उसको एक एंगल दिया था। उन्होंने ही गाइड किया मेरे को फेनेस्टा के बारे में। हमने उसका टॉप मॉडल, आप सारी जो फेनेस्टा की जो टॉप मॉडल थी, क्वालिटी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी थी, हमने यूज़ किया। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद फेनेस्टा, उसके तो बराबर कोई चीज़ ही नहीं है, और बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने सारा टोटल ए टू जेड सारी आयदर देन फेनेस्टा मैंने कुछ नहीं लगाया, ग्लासेस, उसके सपोर्ट्स, और पहली बार वो कर्व भी बना के दिए मेरे को जो रिपोर्ट मिला, मगर आगे होगा नहीं पता नहीं है। एंड फिनिश था उनके सर्विस, एवरीथिंग वॉज ओके, आई हैव नो कंप्लेन अबाउट।